हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरज। यदि दोस्तों किसी का भी समय से पहले बाल सफ़ेद होने लगता है तो उस व्यक्ति को चिंता हो जाती है। ऐसा क्या फैक्टर्स हो रहा है जो यदि उसका समय से पहले बाल सफ़ेद हो रहे हैं? यदि किसी का भी समय से पहले बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो उसके बाल बहुत तेज़ी से गिरने लगते हैं, तो हेयर फॉलिंग का एक बहुत बड़ा फैक्टर्स है। दोस्तों, आज हेयर फॉलिंग सीरीज में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि बालों का समय से पहले सफ़ेद होना, ऐसे क्या क्या फैक्टर्स होते हैं कि बाल सफ़ेद हो रहे हैं। समाज में ये बहुत बड़ा विषमता है, समाज में बहुत बड़ी समस्या है यदि किसी व्यक्ति के समय से पहले बाल सफ़ेद हो जाते हैं तो। दोस्तों, पहले समझिए पैथोफिजियोलॉजी के बारे में कि बाल सफ़ेद किसी व्यक्ति के कैसे होते हैं, बाल सफ़ेद होने का कारण क्या होता है। हमारे शरीर में, हमारे बालों में जो है हेयर फॉलिकल्स मेलेनोसाइट सिक्रीट करती है, जिसकी वजह से हमारे बाल काले रहते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति के शरीर में मेलेनोसाइट का सिक्रेशन बहुत कम हो जाए तो ऐसे केस में बाल जो है सफ़ेद होने लगते हैं, जिसको हम प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर कहते हैं, यदि समय से पहले हो रहे हैं तो। इसके बहुत से कारण हैं। फर्स्टली हम लोग चर्चा करेंगे न्यूट्रिशनल फैक्टर। यदि वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन में डिफिशियंसी हो रही है तो इसको हम न्यूट्रिशनल फैक्टर्स के रूप में इंक्लूड करते हैं। यदि कोई व्यक्ति डाइटिंग के रूप में है, यदि खाना नहीं खा रहा है बहुत दिनों से, जिससे उसके शरीर में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होती जा रही है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी में मेनली विटामिन सी डिफिशियंसी, विटामिन ई डिफिशियंसी एंड विटामिन B12 डिफिशियंसी, ये सबको दोस्तों यदि हम पूरा कर रहे हैं तो हमारे आशा करिए की जा रही है। यदि सभी विटामिन को आप प्रॉपर मैनेज करते हैं और एक बैलेंस डाइट लेते हैं तो किसी भी व्यक्ति के बाल जो है यदि वाइट हो रहे हैं तो ऑटोमेटिक फिर ब्लैक कन्वर्ट हो जाते हैं। विटामिन डिफिशियंसी के अतिरिक्त यदि विटामिन्स डिफिशियंसी में हम आपको बताएंगे क्या क्या चीज़ों को खाएं आप, जिसकी वजह से यदि मान लेते हैं किसी भी व्यक्ति को विटामिन सी डिफिशियंसी हो रही है तो ऐसे केस में उसको जो है आंवले का प्रयोग करें, आंवला, नींबू, चकोतरा इत्यादि का प्रयोग करके जो है आप विटामिन सी डिफिशियंसी को कम कर सकते हैं। दोस्तों, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के अतिरिक्त अब चलिए आप समझें कि ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसको हम जनरली यूज करते हैं, जिसकी वजह से बाल हमारे डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉलिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है और धीरे धीरे बाल हमारे प्री मेच्योर ग्रेइंग हो जाती है। सो फर्स्टली, ड्रायर का प्रयोग करना, जो आजकल के समय में एक फैशन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। मच मोर ड्रायर जो लोग प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं और धीरे धीरे बालों के अंदर जो है मतलब उसमें न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी होने लगती है और वो सफ़ेद होने लगते हैं। दूसरा, जेल्स का प्रयोग करना। जेल, बालों में लोग जेल लगाते हैं। जेल का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि बाल सीधे खड़े रहें, स्ट्रेट रहें। सो जेल का भी प्रयोग बालों में प्री मैच्योर ग्रेइंग का एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो यदि किसी के बाल समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं तो जेल्स, ड्रायर, ये सब का प्रयोग करना तुरंत कम करें। दोस्तों, इसके अतिरिक्त जो सबसे बड़ा फैक्टर्स है बालों का सफ़ेद होने का, वो है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इस समय पोल्यूशन इतना ज़्यादा है इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से बालों में जो है इम्प्रॉपर थिंग्स जैसे सल्फेट कंपोनेंट्स, इस प्रकार का सल्फर कंपोनेंट्स जो है आपके बालों में जो है जमा होता रहता है, जिसकी वजह से आपको डैंड्रफ होते रहते हैं, जिसकी वजह से बालों में जो है जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए उस हिसाब से एबनॉर्मलिटी आने लगती है। दैट मीन्स बालों में प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर दिखाई देने लगता है। तो यदि इस तरह की समस्या है आपको, तो बालों को आप कवर करके रखें, ढक करके रखें बालों को, जिससे जो है आपको जो है इस प्रकार की प्रॉब्लम्स कम हो। इसके अतिरिक्त दोस्तों, जो एक बहुत बड़ा फैक्टर्स है यदि किसी भी व्यक्ति के शरीर में, स्ट्रेस फैक्टर यदि किसी को बहुत ज़्यादा होता है तो उस केस में भी हम देखते हैं कि उसके बाल जो है समय से पहले सफ़ेद होने लगते हैं। कोई व्यक्ति अपनी लाइफ से बहुत दुखी हो रहा है, थक गया है, ऐसे केस में उसको स्ट्रेस ज़्यादा होने लगता है। इस केस में दिखाई देने लगता है कि वो खाने पीने पे ध्यान नहीं दे पाता है, जिससे डाइट एबनॉर्मलिटी से धीरे धीरे उसके बाल सफ़ेद होने लगते हैं। तो यदि किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो वो अपने थॉट्स को पॉजिटिव करे, वो ये सोचे कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, जिससे जो है धीरे धीरे वो पॉजिटिविटी की वजह से स्ट्रेस फैक्टर्स कम हो जाता है। और स्ट्रेस फैक्टर्स जैसे ही कम हुआ आपके शरीर में, तो आपके जो प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर है उसमें कमी आ जाती है। अब दोस्तों, हम लोग चलते हैं ट्रीटमेंट पार्ट पे। क्या क्या, कौन कौन सी दवाइयाँ होम्योपैथी में प्रयोग की जाए जिसकी वजह से हम जो है प्री मैच्योर ग्रेइंग को रोक सकते हैं। फर्स्टली दोस्तों, प्री मैच्योर ग्रेइंग की जो हमारे पास जो चीप मेडिसिन होती है उसको बोलेंगे एसिड फॉस 200 का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी के बाल समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं तो एसिड फॉस का ये गुण है कि उसके अंदर जो है समय से पहले जो है बाल ग्रे हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों, एसिड फॉस 200 के साथ साथ हम इसका टिंचर भी प्रयोग करते हैं। तो
तो ये एक प्रकार से मेलेनोसाइट्स को सिक्रीट करने में थोड़ा हेल्प करता है, जिससे बाल हमारे जो है समय से जो पहले सफ़ेद हो रहे हैं वो रुक जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो है, हम यदि किसी प्रकार का प्री मैच्योर ग्रेइंग हो रही है विथ उसको गैस्ट्रिक एबनॉर्मलिटीज़ हो रही है, साथ साथ उसके पेट में गैस बन रही है या गैस्ट्रिक एबनॉर्मलिटीज़ में लाइक पेट उसका ठीक नहीं रहता है, तो ऐसे केस में यदि उसके बाल समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं तो इस केस में हम लाइकोपोडियम 200 प्रयोग कर सकते हैं। लाइकोपोडियम 200 दिन भर में 3 बार 6 6 ड्रॉप प्रयोग करें। इसके अतिरिक्त दोस्तों, यदि किसी के बाल जो है प्री मैच्योर ग्रे हो रहे हैं, साथ साथ उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा घटती जा रही है, बाल तो समय से पहले सफ़ेद हो जा रहे हैं साथ ही साथ जो है उसकी डेंसिटी बहुत कम होती जा रही है, तो ऐसे केस में हम विस्बेडन प्रयोग करते हैं। विस्बेडन 200 पोटेंसी प्रयोग करें दिन भर में 3 बार 6 6 ड्रॉप। प्री मैच्योर ग्रेइंग हो रही है बालों में, साथ ही साथ प्री मैच्योर ग्रे के साथ साथ बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रहा है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है सर में और बाल बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं, ऐसे केस में हम फास्फोरस प्रयोग करेंगे, जिससे हम प्री मैच्योर ग्रेइंग से भी आराम हो जाएगा हमें और हमारा जो डैंड्रफ है वो भी कम हो जाएगा। तो दोस्तों, आप समझ पा रहे होंगे कि कौन कौन सी दवाइयों का हम प्रयोग कर रहे हैं जिससे तेज़ी से हमारे हेयर फॉलिंग को हम रोक सकते हैं। पूरी आप जो है इस सीरीज को अच्छे से देखें, हेयर फॉलिंग सीरीज को, जिससे आप अपने बालों को गिरने से बचा सकते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अपने व्यू जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।